आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद संभल में तेज रफ्तार का कहर जारी। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस के पलटने से 9 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी में कराया भर्ती। मामला कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के दिल्ली बदायूं हाईवे पर गांव जगन्नाथपुर का है, जहां चंडीगढ़ से बदायूं जा रही बस गोवंश बचाने को लेकर हाईवे पर पलट गई, जिसमें एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बस से बाहर निकाला, जिसमें 9 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 3 की हालत नाजुक देखते हुए अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया है। देखिए जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। एक्सीडेंट हुआ, रोडवेज पलटी है, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोगों का मेडिकल आपके यहाँ? मेरे यहाँ जैसे ही सूचना मिली कस्बा इंचार्ज सत्येंद्र चौहान जी के माध्यम से कि कोई बस पकड़ गई है यहाँ पर रोड पर जगन्नाथपुर पर, तुरंत ही मैं अपनी मेडिकल टीम के साथ मौजूद था। डॉक्टर विक्रम सिंह यादव सर्जन हमारे साथ मौजूद थे। हम लोग जैसे ही एम्बुलेंस से सब लोग आए, समुचित बढ़िया से इलाज करवा दिया। उनमें से 8 लोग में से 2 लोग गंभीर थे, जिनकी स्थिति देखते हुए जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर कर दिया गया और बाकी लोगों का मेरे यहाँ इलाज चल भी रहा और कुछ लोग छुट्टी लेके जा भी चुके हैं। आज दिनांक 2 अप्रैल 2023 को प्रातः सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक बस जो कि चंडीगढ़ से उजानी बनाई जा रही थी, थाना गुन्नौर क्षेत्र के अंतर्गत गाँव जगन्नाथपुर के पास पड़ रही, इसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। यह बस एक छुट्टा पशु को बचाने के लिए पलटी है और 7 में से 2 लोगों को अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है, बाकी सभी घायल का इलाज सीएससी गुन्नौर में चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी कायम है, घायलों का उपचार जारी है।